दरगाह की टीम पहली रेड। नौजुवक बालक बिलवा रसूलपुर के कप्तान जल्द से जल्द आके थोड़ा संपर्क कर ले कमेटी से। बहुत बढ़िया। और नसीराबाद का खाता खुलता हुआ बालान तरका का अभी खाता नहीं खुला है। बहुत बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच तरका की टीम के द्वारा। तरका ने भी अपना खाता खोल लिया पहले। माझिल बिलवा रसूलपुर के बहुत बढ़िया रेड। खाली हाथ जाना पड़ेगा इनको वापस। नसीराबाद का प्लेयर 17 नंबर जर्सी। तरका के सारे प्लेयर बहुत बढ़िया रेड, बहुत बढ़िया रेड। दो पॉइंट अपने टीम के लिए अर्जित करते हुए नसीराबाद 4 पॉइंट, तरका 1 पॉइंट। तरका के कप्तान भी बाहर बैठ चुके हैं। 17 नंबर जर्सी अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य अंक अर्जित करते हुए। वाह, बहुत अच्छा रेड माझिल द्वारा एक बहुमूल्य अंक अपनी टीम को अर्जित करके दिया, जिससे तरका का पॉइंट बढ़ के 2 हो चुका है। नसीराबाद 5 पॉइंट पे है, 6वां पॉइंट के लिए संघर्ष करते हुए। सत्रह नंबर की जर्सी अगर 3 टच करता है तो 500 रुपए का ये पुरस्कार है उन पर। वो 3 टच करके अपना पुरस्कार कमेटी बॉक्स से आके ले लेंगे। ये बात, ये इनाम उनके बड़े भाई द्वारा ही रखा गया है। बहुत बढ़िया। बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं ये, एनसीसी भी कर चुके हैं। और
बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेडर आओ तरका को एक नसीराबाद को बोनस पॉइंट और तरका को हुए पॉइंट। धीरे धीरे दोनों टीमें एक दूसरे के करीब पहुंचती हुई और बराबर कर लिया है अंकों में। एक पॉइंट और बढ़ता हुआ नसीराबाद का, बढ़ के 8 होता हुआ। दो पॉइंट नसीराबाद को, पॉइंट बढ़ के 10 हो गया है और तरका 7। धीरे धीरे तरका चाहेगी कि नसीराबाद के लीड दिया जाए, उसके लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत फुर्तीला खिलाड़ी 3 नंबर के जर्सी दीपू रेडर आउट। सुपर टेकल दो आउट। कप्तान के आने से पूरी दर्शक दीर्घा में उत्साह बढ़ जा रहा है। ओहो, कप्तान आउट। फुल इंटरटेनमेंट बड़ा हुआ ये मैच, ये रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ। दोनों टीमें अपने आप में है। कोच कृष्ण मोहन राय जाते हैं अपने टीम से। कोई विलंब नहीं करेगा, समय का ध्यान रखेंगे। तरका का रेडर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरका 8-14 नसीराबाद, जिस चीज को इस पॉइंट को बदल के माझी ने अकेले 10 और 14 पर लेके चले गए। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 अंक अर्जित किया माझिल ने। लंबे कद का तीन कैच करने पे इसके भाई ही द्वारा 500 रुपए का इनाम है। स्कोर बढ़ के तरका का
11 और नसीराबाद 14 है। तरका धीरे धीरे नसीराबाद के करीब पहुंच रही है, जिसमें माझिल का बहुत योगदान है। थोड़ा सा कप्तान फेल हुआ इस बात में। कोच ने कुछ सिखाया है, देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पॉइंट धीरे धीरे नसीराबाद के करीब पहुंच रहा है। माझिल शेर की तरह दहाड़ते हुए नसीराबाद के खेमे में, देखिए अपने टीम के लिए कुछ अर्जित करते हैं या ऐसे ही वापस आते हैं। नसीराबाद का खिलाड़ी जर्सी नंबर 3, बहुत बढ़िया रेड कराता हुआ टीम को एक बार पुनः जीवित करने के लिए। कोच चुप रहिए, पीछे से आवाज ना दीजिए, टेक्निकल पॉइंट काट दिया जाएगा। ब्लू एंड टाई रेड है, ये करो या करो, करो करो, नहीं हो पाया। सुपर टेकल, दो पॉइंट। लास्ट समय 5 मिनट। तरका 12, नसीराबाद 16। इस खेमे को, तरका की खेमे को अगर कोई विजय की तरफ ले जा सकता है तो ये कहीं बंदा है, उसने कप्तान रितेश राय। कप्तान जा रहा है रेड करने, वही है जो इस टीम को विजय की तरफ ले जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही फुर्तीला। सौभाग्य से ये मेरा क्लासमेट भी रहा है। डू और डाई रेड, लास्ट समय 4 मिनट है। तरका ध्यान देगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और पॉइंट अर्जित किया, 13-16, बस 3 पॉइंट का ही अंतर है, समय भी ज्यादा नहीं है। तो दोनों टीमें चाहेंगी थोड़ा सा। माझिल ने बहुत ही अंक अर्जित किया अपने टीम के लिए, बहुत जुझारू प्लेयर है ये। 14-16 पर पॉइंट आ चुका है, 2 पॉइंट का ही अंतर है। लास्ट समय 3 मिनट है, दोनों टीमें ध्यान दें। बहुत सही, बहुत सही। सरकार 3 पॉइंट अर्जित करके दोनों का दोनों टीमें जल्द से जल्द मैदान की तरफ आए। माझिल एक और रेड करने के लिए टीम की विजय सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए टीम की कमान अपने हाथों में रखी है, कप्तान को पीछे छोड़ के। और कोच कृष्णमोहन राय का सिखाया हुआ काम आ रहा है। टीम लीड कर गई है 2 पॉइंट से। लास्ट समय 2 मिनट है। तरका की टीम चाहेगी कि लीड ना जाए, 1 पॉइंट दे दिया है।
सत्यम पटेल आउट हुए, माझिल अकेले इस टीम के लिए लड़ते हुए बहुत सही। कप्तान थोड़ा सा बैक गया है, रितेश अग्रेसिव प्लेयर है और बहुत ही फुर्तीला प्लेयर। टीम चाहेगी नहीं कि लीड उनके हाथ से छटक के सामने वाली टीम के पास जाए। दोनों टीमें एकदम आमने सामने अंक तालिका में भी खड़ी हैं। दो पॉइंट और अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए। सत्रह पॉइंट नसीराबाद, तीन पॉइंट का लीड दे चुकी है टीम। कभी बहुत अंकों से पीछे थी। दरगाह के अगर टीम जीतती है तो 500 रुपए का वो पुरस्कार अमित सिंह के द्वारा है जो भारतीय सेना में कार्यरत है। टीम जीतने के बाद पुरस्कार आगे कमेटी वर्क से ले जाएगी। माझिल अपने टीम के लिए जीत सुनिश्चित कर देना चाहते हैं जो टाइम पास कर रहे हैं। 19-20 का फर्क रह गया है, 19-20। बहुत बढ़िया मैच है, समय एक मिनट बस बचा हुआ है। दोनों टीमें ध्यान देंगी। बहुत बढ़िया मैच, बहुत बढ़िया मैच, रोमांच से भरा हुआ यह मैच, बहुत शानदार मैच। सरकार 21 पॉइंट। दरगाह की टीम चाहेगी कि टाइम काट के अपना मैच एक और पॉइंट ले गई। नहीं भाई, टीम लड़ रही है, ये सुनिश्चित कर रही है अपनी। बाहर से कृपया होटिंग ना करें, कोच बैठ जाइए आप।